गुड आफ्टरनून। आज का जो क्लास का टॉपिक है वो है टीबी, जिसे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। टीबी जो होता है एक बैक्टीरिया, मतलब कि जिस विषाणु से जो टीबी होता है उसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टीबी के संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर किसी इंसान को अगर टीबी होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया एंटर हो चुका है, घुस चुका है, जिसकी वजह से उसे ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। तो टीबी का जो मेन कारण होता है वो यही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। उसके अलावा और भी कारण है जिनकी वजह से टीबी होता है, जैसे कि धूम्रपान करना, कुपोषण, मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड जो होते हैं जैसे कि प्रोटीन और होते हैं या फिर अलग से विटामिन और सब जो लेना होता है वो सब ना लेना। उसके अलावा जो है शराब पीना, जिसे हम लोग मद्यपान भी कहते हैं, ढंग से व्यायाम ना करना, शरीर को तंदुरुस्त ना रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घूमना, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि टीबी के होने के कारण है ये सारी चीज़ें। क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें शुरू में नहीं पता चलता। जब लोग खांसते छींकते हैं तो हमें ये लगता है कि वो नॉर्मल जो है खांसी जुकाम है, मगर ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर जो होता है टीबी के संक्रमित वायरस होते हैं, जिनके खांसने छींकने से क्या होता है कि वो बीमारी फैल सकती है। दूसरा, ये बीमारी जो है संक्रमित होती है किसी भी ट्यूबरक्लोसिस संक्रमित व्यक्ति से, जो कि संक्रमित जो है व्यक्ति है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमित व्यक्ति है, उसके साथ उठने बैठने से। क्योंकि अगर उसके मुंह से कोई भी जो है लार्वा या फिर जिसे हम लोग कहते हैं लार जो होती है आपके शरीर के ऊपर आती है या फिर आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें वो ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो होता है लक्षण और चिन्ह जो ट्यूबरक्लोसिस में टीबी में ज़रूरी होता है देखा जाता है, सबसे पहला बुखार आना, ठंड लगकर बुखार आना शुरू हो जाता है पेशेंट को, पूरे शरीर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, ठीक है। उसके अलावा जब खांसी जो है 3 हफ्ते से ज़्यादा रहने तक, मतलब कि बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी जो होती है 3 हफ्ते से ज़्यादा, और वो क्या करती है और बढ़नी शुरू होती है, उसमें बलगम का जो है मात्रा बढ़ना शुरू होता है, तब हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाकर एक बार अपना जो है बलगम की जाँच करवाएँ। उसके अलावा जो होता है बलगम में खून आना या फिर जो है रक्त मिश्रित जो बलगम होता है, सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है क्योंकि पेशेंट के जो लंग्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। भूख कम लगना, जिससे कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। थकान होनी शुरू हो जाती है, खांसते वक्त छाती में दर्द होना, सांस लेने में दर्द होना, तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है शरीर बिल्कुल सूखता जाता है और शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। ये कुछ लक्षण है। और सबसे मेन ये होता है कि कई बार क्या होता है रात को कुछ ज़्यादा ही पसीना आना शुरू हो जाना, पेशेंट को रात को पसीने आने शुरू हो जाते हैं, वज़न घटना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हम लोग क्या देख रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस संक्रमित व्यक्ति में देख सकते हैं। उसके अलावा जो होता है हमें ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या क्या जांच करवानी होती है, सबसे पहला होता है एक्सरे करवाना। एक्सरे के अंदर हम लोग जो होता है चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, छाती का एक्सरे करवाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है हम देखते हैं कितना पार्ट अफेक्टेड है हमारे जो लंग्स का। उसके अलावा बलगम परीक्षण करना, जिसके अंदर हम डब्बे के अंदर सैंपल देते हैं पेशेंट का बलगम का, और उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है, रक्त का टेस्ट करना। उसके अलावा मोंटॉक्स टेस्ट होता है। मोंटॉक्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। मोंटॉक्स टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को जो है 0.5 ml जो होता है पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम 48 आवर्स के बाद हम उस चीज़ को जो है चेक करते हैं। एक तरीके से ये स्किन के पे किया जाने वाला टेस्ट है। उसके अलावा जो होता है उपचार होता है, उपचार के लिए हम लोग जो होता है ट्यूबरक्लोसिस के उपचार के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं डॉट्स। डॉट्स जो है मिश्रित है मेडिसिन का, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन आती है, आइसोनियाज़ाइड आता है, रिफैम्पसिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, पायराजमाइन आता है, एथेम्ब्यूटोल आता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है पीएस आता है, ये सारी ड्रग्स जो होती हैं ये डॉट्स के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो डॉट्स जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जो होता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनका जो है रोल है हेल्थ वर्कर्स का, मतलब कि मेनली हम जो ANM नर्सेस होती हैं उनका क्या रोल है वहाँ पर, मतलब कि स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स के अंदर, PHC CHC के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, एक स्वास्थ्य शिक्षा देना लोगों को, दूसरा घर घर जाकर चेक करना कि ऐसा ट्यूबरक्लोसिस संक्रमित व्यक्ति है या नहीं है, अगर है तो उसे बाकी लोगों से आइसोलेट कर देना, उसे दूसरे कमरे में बिठाना, उसके खाने पीने का, बर्तन का, हर चीज़ को अलग करना
ज़रूरी है, ताकि वी संक्रमित करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्हीं चीज़ों को बाकी लोग भी यूज़ करेंगे तो घर के बाकी लोगों को भी ट्यूबरक्लोसिस होने के, टीबी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हमें घर में शिक्षा देना ज़रूरी है, पेशेंट को वी संक्रमित करवाना, उसकी चीज़ों को वी संक्रमित करना ज़रूरी है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उन सब से चीज़ों से अलग रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो होता है, हमें पेशेंट के खाने पीने का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉट्स जो मेडिसिन होती है, मेनली आजकल क्या होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल खुद आकर वो मेडिसिन डॉक्टर्स और नर्सेस के सामने खाकर फिर घर जाना होता है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार जो होता है, अगर एक भी इस मेडिसिन का एक भी डोज स्किप हो गया तो मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो एक तरीके से यूज़लेस हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डॉट्स जो होते हैं उसके लिए हम डॉट्स का एक कार्ड बनवाते हैं, जिसके अंदर जो होता है वो जब भी पेशेंट आकर लेकर मेडिसिन खाकर जाता है तो उसमें जो है मेंशन किया जाता है। तो डॉट्स के हिसाब से पेशेंट को टाइम पर आकर मेडिसिन लेना ज़रूरी है। पेशेंट के मेडिसिन के बारे में ध्यान रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसको अगर और कोई बीमारी या फिर और कोई तकलीफ़ हो रही है तो उस चीज़ का ध्यान रखना, और डॉक्टर को उन चीज़ों के बारे में बताना। इन ये सारी चीज़ों का जो ध्यान रखा जाता है वहाँ के कार्यकर्ता या फिर हम लोग A&M हेल्थ वर्कर, A&M जो नर्सेस होती है या फिर हेल्थ वर्कर्स जो होता है, उनका काम होता है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।